और महिला दिवस के अवसर पर आज हमने 551 महिलाओं का नारी शक्ति सम्मान से सम्मान किया है। और इस हमारे राजस्थान की लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के आज जन्मदिवस पर और महिला दिवस के अवसर पर आज हमने 551 महिलाओं का नारी शक्ति सम्मान से सम्मान किया है। और इस सम्मान में जो अलग अलग विधाओं में जिन नारियों ने अपना योगदान दिया है, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, जिन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में जिन महिलाओं ने योगदान दिया, उन सब महिलाओं का आज हमने सम्मान किया है। अलग अलग क्षेत्र में जाकर आज इस सम्मान समारोह को हमने आयोजित किया ताकि इस अवसर पर लोगों को जागरूकता बढ़े और महिलाओं में चेतना आए ताकि लोग अच्छे कार्य कर सकें। उन सब को विषय को लेकर हम मरुधर सांस्कृतिक संस्था और विवेक बंधन की ओर से आज हमने पूरे शहर में अलग अलग जगहों पर महिलाओं का सम्मान किया ताकि लोगों में जागरूकता आए और इस कार्यक्रम में अपनी रुचि दिखाए और समाज में जो कुरीतियाँ हैं वो दूर हो। उन सब विषयों को लेकर आज हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें नगर निगम के पूर्व मेयर श्री धर्मेंद्र जी गहलोत, हेमा गहलोत जी और तीरथ विजारिया जी, हमारी पूरी टीम आज अलग अलग क्षेत्र में कच्ची बस्तियों में भी गए और वहाँ पर भी हमने आज कच्ची बस्ती में जो लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं उनका भी महिलाओं का हमने सम्मान किया। ये कार्यक्रम हम पिछले 9 वर्षों से लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जब जब महिला दिवस आएगा तो नारी शक्ति को हम सम्मान देंगे और नारी शक्ति को जोश बढ़ाने में ये कार्य लगातार करते रहेंगे। गोपाल बंजारा, ब्रांड एम्बेसडर, नगर निगम, स्वच्छ भारत अभियान। मरुधर सांस्कृतिक संस्था, विवेक बंधन और हेमुकालानी नवक मंडल की ओर से आज 8 मार्च, जैसे कि सबको मालूम है, श्रीमती माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे का जन्मदिन है। इस अवसर पर हर साल महिलाओं को सम्मानित करते हैं और आज भी हमने 501 महिलाओं को सम्मानित किया है, जिस कड़ी में सबसे पहले हमने पूर्व मेयर श्री धर्मेंद्र गहलोत और श्रीमती हेमा गहलोत के हाथों कई महिलाओं को पुरस्कृत किया है और कई कच्ची बस्तियों में जाकर हम अलग अलग स्थानों पर जाकर महिलाओं को पुरस्कृत करते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में काम कार्य किया है। तो ये कार्य हमेशा चालू रहेगा, हमारा 5 साल हो गए, हमको आगे भी चलता रहेगा। तीर्थ विजारिया, अध्यक्ष हेमुकालानी नवक मंडल।